बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। और थ्योरेटिकल टॉपिक्स के अंदर आपके पास सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो डिवाइसेस हैं, वो इक्विपमेंट्स हैं जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। हमने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी इजिली मेजर्ड बाय फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसी को हमने रिवर्स कर कर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन बना दी, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हो। उसके बाद आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है या आपको पता होनी चाहिए। लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ली गई सबसे छोटी वैल्यू है, मतलब एनी इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी मेजर्ड इट्स लीस्ट काउंट, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो वो कहलाता है वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है, कितनी प्रिसाइजली उस वैल्यू को मेजर कर सकता है, इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमें सिर्फ तीन चीजों के बारे में ही डिस्कस करना है, लेंथ, मास एंड टाइम। हम इन्हीं तीन चीजों के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं नॉर्मली, तो अभी हम आगे जो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे वो इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे, सही है, यानी इन्हीं तीनों चीजों को मेजर करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लेंथ, सबसे पहला है रूलर। सबसे आपके पास सिंपलेस्ट कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है रूलर, जो लेंथ को मेजर करता है, हाइट को मेजर करता है, विड्थ को मेजर करता है, सही है। और इसी के मेजरमेंट्स के बाद हम फाइनली दूसरी चीजें एरिया और वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि स्केल है जो ग्रेजुएटेड होता है बस, यानी कि अगर मैं उसके ऊपर ग्रेजुएशन बना दूं तो वो स्केल बन जाएगा। तो ये कुछ एक शक्ल है आपके सामने स्केल्स की, कई सारे तरीके के स्केल्स हैं। तो ये आपके पास सिंगल स्केल या लीनियर स्केल्स कहलाते हैं, यानी इसमें कोई दूसरा स्केल शामिल नहीं होता, वो सिंगुलर ही मेजर कर रहे होते हैं इंच में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में। अब इसी स्केल का मुझे लीस्ट काउंट भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने कहा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट मौजूद होता है। तो लीस्ट काउंट के लिए एक फॉर्मूला हमें बनाना होगा और हर जगह लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। तो लीस्ट काउंट को हम हमेशा रेशियो से फाइंड आउट करते हैं। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है फॉर लीनियर स्केल्स और सिंगल स्केल्स, इट इज फर्स्ट डिजिट ऑन स्केल आफ्टर जीरो। ओके, क्या मतलब है मेरा? इस स्केल से देखिए कि जीरो के बाद आने वाला पहला डिजिट कौन सा नजर आ रहा है, वो आपका हमेशा न्यूमिनेटर में काउंट होगा या न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा। तो आपके पास जो पहला आने वाला डिजिट है वो कौन सा है? इट इज वन। तो आप यहां पे वन को पुट करेंगे इस जगह पे न्यूमिनेटर में। ओके, उसके बाद डिवीजन में क्या कह रहे हैं? डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दैट डिजिट एंड जीरो, यानी वो डिजिट जो जीरो के बाद आ रहा है वन और जीरो के दरमियान कितने डिवीजन आप सामने आ रहे हैं। तो आप जीरो को छोड़कर वो सारे डिविजन्स काउंट कर लीजिएगा। जीरो को अगर काउंट करेंगे तो उस लास्ट डिवीजन के डिवीजन को काउंट नहीं करेंगे, सही है। तो यहां से यहां तक कितने डिविजन्स आ रहे हैं ये आपको देखना है। आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 10 डिविजन हैं। याद रखिएगा ये दो बड़ी लाइंस जो नजर आ रही है ना, ये दो बड़ी लाइंस, इनके दरमियान में अगर मैं सिंगल लाइन एक थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करता हूँ, उसका मतलब वो उस दोनों का हाफ है। तो नॉर्मली वो फिफ्थ लाइन होती है। ओके, ये फिफ्थ लाइन, तो फिफ्थ लाइन यहाँ है, इसका मतलब उस तरफ जाने के लिए इसको मजीद 5 लाइन चाहिए। तो ये 10 हो गया। डायरेक्टली मेजर करने का ये तरीका है, वरना आप काउंट कर सकते हैं जीरो से ओके आखिरी डिजिट के पहली पहली लाइन तक, या फिर जीरो को स्किप करके बाकी सारी लाइंस काउंट कर लें। तो मैं काउंट करूंगा तो यहाँ पे ये 10 लाइन है।
तो यहाँ पे 10 lines आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, न्यूमिनेटर में 1, ओके, और डिनोमिनेटर में 10, तो 1/10 आपके पास लीस्ट काउंट कितना आया, 0.1 centimeter, ओके, 0.1 centimeter, तो यानी कि ये स्केल 0.1 centimeter काउंट कर सकता है। बात समझ में आ गई बेटा? तो 0.1 centimeter काउंट कर सकता है, इसका मतलब ये कि इसकी इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 centimeter, लेकिन यहाँ पे जो इसका स्केल नोट दिया गया है वो मिलीमीटर है, मैं तो सेंटीमीटर में आंसर निकाला। तो अगर हमने कन्वर्जेंस को अच्छे से समझा है, हमें पता है कन्वर्जेंस क्या होती है, तो हमें ये पता है कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर का भी कोई ना कोई रिलेशन मौजूद है, यानी 1 centimeter के अंदर 10 millimeter होते हैं, ओके। मतलब इसका ये है कि अगर मुझे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, मुझे अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो मुझे करना होगा बेसिकली डिवाइड मल्टीप्लाई। वजह क्या है, मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहा हूँ, तो आपने करना होगा मल्टीप्लाई, ओके। यानी कि अगर 1.1 centimeter लिखा हुआ है तो मुझे इसको मिलीमीटर में इसका आंसर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा इसको, तो ये ऑटोमेटिकली मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आंसर आपको पास मिली में है और मुझे सेंटी में चाहिए, तो आप डिवाइड कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे 10 से, यानी मिली से मुझे सेंटी में जाना है तो मैं उस वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे ये इंटर कन्वर्जेंस आपको याद होनी चाहिए, हम प्रीवियस टॉपिक्स में इसको कवर अप कर चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कुछ नए स्केल्स की। ये स्केल आपके पास बेसिकली स्पीडोमीटर का स्केल है, और आप गौर कर सकते हैं ये भी लीनियर स्केल है, ओके, इसमें कोई दूसरा स्केल शामिल नहीं है। तो क्या आप इसका भी लीस्ट काउंट ऐसे ही निकालेंगे? जी बिल्कुल, ये भी लीनियर स्केल है, ये भी सिंगुलर स्केल है, तो हम इसका आंसर भी, इसका लीस्ट काउंट भी सेम तरह से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से जो यहाँ लिखा गया है। देख लेते हैं, आपके पास पहला, यानी कहा जाता है कि जीरो के बाद आने वाला पहला डिजिट, तो जीरो के बाद आने वाला पहला डिजिट, ये बिल्कुल ऐसी बात है। तो क्या है यहाँ पे, 20, और दोनों के दरमियान में कितने डिविजन है, मैंने ये भी बात बता दी थी कि दो बड़ी लाइंस हैं और बीच में एक और आपको वाइब्रेंट लाइन दिख रही है, या थोड़ी सी बड़ी लाइन दिख रही है, तो 5 की हमेशा डिविजन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 5, और यहाँ से यहाँ तक 5, 10 हो गई। काउंट भी कर सकते हैं आप, काउंट कर लीजिए, ओके। तो डिवाइड किससे करेंगे, 10 से। इसका मतलब फर्स्ट डिजिट ऑन स्केल आफ्टर 0 इज 20, एंड बिटवीन देम डिवीजन आर 10। तो 20/10 आपके पास आंसर आ गया 2, ओके। किलोमीटर पर आवर वो मेरी मर्जी है कि मैं किस में निकालना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे मेंशन है यूनिट तो आप यूनिट लिख दें, वरना हमें फिलहाल तो लीस्ट काउंट कंफर्म करना है कितना। सेम एज गैल्वेनोमीटर का, अगर लीस्ट काउंट में निकालना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड एक और टर्म इसमें कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी मैंने एक वैल्यू डाली है, ताकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको आसानी हो जाए, कि पता चले कि मैं इस तरह की वैल्यूज को भी कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, मैं इस वाले हिस्से को पहले सॉल्व करूँ, सही है। जीरो के बाद आने वाला पहला डिजिट, सही, ये भी लीनियर स्केल है। पहला डिजिट कौन सा है, आपको नजर आ गया 0.05, और दोनों के दरमियान में डिवीजन कितने हैं, काउंट कर लीजिए, ये भी 10 ही है, ओके। तो मैं इसका लीस्ट काउंट निकाल सकता हूँ, जी मैं कैसे निकालूंगा, 0.05/10, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.005। अब डिजिट्स में हो ये, अब आपके पास सेंटीमीटर्स में हो मीटर्स में हो, मुझे नहीं पता, मैंने लीस्ट काउंट निकाल लिया, ओके। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्केल्स की, सही है, जिसमें से आपके पास आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आपके पास एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और जो बहुत ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करता है, ओके। क्या है ये, तो वर्नियर कैलिपर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ, डायमीटर और डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेजर कर रहा होता है, यानी ये डायमीटर भी मालूम करेगा, ये डेप्थ भी मालूम करेगा ऑब्जेक्ट की, ओके, यानी इनर लेंथ और इनर डायमीटर भी। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर के बारे में पता होना चाहिए।
ये आपके पास वर्नियर कैलिपर की एक शक्ल है, नजर आ रही है आपको। ओके, तो वर्नियर कैलिपर में अभी हमें सिर्फ दो चीजें देखनी है, पहला है उसका मेन स्केल, दूसरा है उसका वर्नियर स्केल। ओके, और इसका फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है, गौर करिएगा कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल का मतलब है आपके पास ये जो मेन स्केल है ये इट इज लुक लाइक और इट इज बेसिकली लीनियर स्केल जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ा है। तो ये रूलर है नॉर्मल, तो इस रूलर का 1 डिवीजन मतलब इसका लीस्ट काउंट। तो बात वही आ जाती है कि अगर आपको इस रूलर का लीस्ट काउंट पता है तो आप उसका डिवीजन लिख पाएंगे, वरना लिख नहीं पाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे इसको अलग से लिख के दिखा दूं कि बेसिकली मुझे यहाँ पे रूलर का लीस्ट काउंट निकालना है, सही है, या मेन स्केल का मुझे एमएस मेन स्केल का मुझे लीस्ट काउंट निकालना है, मेन स्केल का मुझे लीस्ट काउंट निकालना है। तो मैंने इसको लिख भी दिया है ताकि याद रहे। ओके, तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का मतलब मेन स्केल का लीस्ट काउंट, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आप कैसे निकालेंगे, आपने काउंट करना होगा इस जगह पर जहां पे मैं मार्किंग करने जा रहा हूँ, इस जगह पे आपके पास ये जो ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का आपके पास स्केल है, ये मूवेबल स्केल वर्नियर स्केल कहलाता है। यहाँ पे बारीक बारीक से डिविजन लिखे होते हैं, 10 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, तो आपको इसे काउंट करना होगा। तो आप काउंट करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे है वो 10 डिवीजन वाला है। ओके, और जो लीस्ट काउंट मेरे पास मेन स्केल का आ रहा है इट इज 0.1। नॉर्मली 0.1 ही आता है, वजह क्या है, ये सेंटीमीटर स्केल काउंट होता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर में ही काउंट करेंगे इसको, तो 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने इसको पहले से सॉल्व करा हुआ है, लेकिन अगर आपके हाथ में जब ये स्केल आएगा तो आप उससे इसको मेजर करेंगे। ओके, प्रैक्टिकली आप इसको करेंगे, मैं भी सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। तो थ्योरेटिकली बस ये बात याद रखिएगा कि आप इस स्केल का मेन क्या करेंगे, मेन स्केल का लीस्ट काउंट निकालेंगे, जिस तरह से रूलर का निकाला था एक सिंगल रूलर। अब क्या होगा, तो आप लिख लीजिए 1 डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है, और डिविजन्स कितने हैं वर्नियर पे, 10। डिवाइड करेंगे, आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आ जाएगा। तो रूलर से इसका लीस्ट काउंट और लेस है, इसका मतलब ये और एक्यूरेट वैल्यू देगा एक डिजिट का। ओके, रूलर आपको 0.1 दे रहा था, यानी कि 5.1, 5.2, 10.1 इस तरह से वैल्यू दे सकता है, ये 5.25 दे सकता है, 5.28 दे सकता है, यानी कि 2 डिजिट्स आ सकते हैं पॉइंट के बाद, इतनी एक्यूरेट वैल्यू है। इसी को अगर मुझे मिलीमीटर में लिखना हो तो वही वाली बात, आप क्या करेंगे, मैंने सेंटीमीटर में तो आंसर निकाल लिया, आप मिलीमीटर में भी निकाल सकते हैं। सेंटीमीटर में निकालने के बाद कन्वर्ट कर लें, या डायरेक्टली ही इसको मिलीमीटर में करें। क्यों, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर के बारे में मुझे ये पता है कि ये आपके पास 0.1 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के, और आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर, सही है, 0.1 मिलीमीटर इसका आंसर आएगा। तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, उसका आंसर ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। ओके, तो ये इसका आंसर है 0.1 मिलीमीटर इसका आंसर, सही बेटा। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक क्वेश्चन है, राइट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑन मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि एक लीस्ट काउंट निकालना है वर्नियर कैलिपर का जिसके जिसमें लीस्ट वैल्यू और मेन स्केल कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है आपके पास डिवीजन ऑन मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर 20, और वर्नियर स्केल यानी कि जो डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे वो 20 डिवीजन का है। तो आपके पास दोनों चीजें पता चल गई, फॉर्मूला रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से करेंगे, फॉर्मूला सेम है, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना है 0.1, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 20, डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 20 इज
0.005 सेंटीमीटर, यही आपके पास वर्नियर कैलिपर का आंसर है लीस्ट काउंट। अब बात करते हैं यहाँ पे नए इंस्ट्रूमेंट की जो कि है स्क्रू गेज। ये और ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देने वाला आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, सही। तो स्क्रू गेज है क्या? स्क्रू गेज आपके पास अगेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स या आपके पास स्फेयर, इसके आपके पास एक्सटर्नल डायमीटर वगैरह फाइंड आउट करता है। इंटरनल कुछ नहीं करता, खाली एक्सटर्नल। ओके, इंटरनली इसको इतना खास हम यूज नहीं करते, बट आप थिकनेस जरूर मालूम कर सकते हैं। ओके, इंटरनल मालूम नहीं करेगा, एक्सटर्नल मालूम करेगा। ओके, यहाँ पे इंटरनल इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, इंटरनल मालूम नहीं करेगा, एनी सिर्फ एक्सटर्नल डायमीटर। ओके, इंटरनल थिकनेस जरूर मालूम कर सकते हैं हम, इससे थिकनेस ऑफ वायर मालूम कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ एनी पीस मालूम कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर मालूम कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इसका भी लीस्ट काउंट हमें मालूम करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट आता है तो सबसे पहले मुझे यही बात मालूम करनी होती है कि व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ओके, यही इसके बारे में मुझे मालूम देगा। तो ये है आपके पास स्क्रू गेज, इस शक्ल में होता है। ये है इसका मेन स्केल जो आपको इनसाइड नजर आ रहा है एक नॉब के, और ये है आपके पास सर्कुलर स्केल जो मेन स्केल के ऊपर रोटेट करता है स्क्रू की तरह, सही। जैसे जैसे मैं स्क्रू खोलता जाऊंगा, ओपन करता जाऊंगा, आपके पास मेन स्केल रिवील होता चला जाएगा। ओके, तो मेन स्केल पे भी डिविजन नजर आ रहे हैं जीरो से स्टार्ट होते हुए, और सर्कुलर स्केल पे भी डिविजन है आपके पास मौजूद। अच्छा, एक और बात ये कि वर्नियर स्क्रू गेज के ऊपर आपके पास यहाँ पे रीडिंग्स गिवन दे दी जाती है। ओके, बता दिया जाता है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, यानी सॉरी इसका आपके पास मेन स्केल कितना है और उसमें डिविजन्स कितने हैं। तो उसमें बताया गया कि 15 डिविजन्स हैं मेन स्केल के ऊपर, बता रहे हैं, और एक डिविजन 1 मिलीमीटर का है। तो आधी बात यहीं पर हमारी खत्म हो जाती है, आसान हो जाती है। ओके, फिजिकली भी हम इसको मालूम कर सकते हैं, बट हम अभी नहीं करेंगे। वजह क्या है, हम प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो हमें थ्योरेटिकली हमें इसका फॉर्मूला और इसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, अगेन वही सेम फॉर्मूला, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो 1 डिवीजन का मतलब एक डिवीजन मेन स्केल से पिक करना है। मेन स्केल जीरो से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3, 4, 5 की लाइन आती है, 6, 7, 8, 9, 10 की लाइन आती है। तो हर एक लाइन 1 मिलीमीटर के बराबर है, वो कौन बता रहा है, यही प्रिंटेड चीज बता रही है। तो आपके पास मेन स्केल पे एक डिवीजन किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर के। ओके, बट आपने हमेशा आंसर सेंटीमीटर में देना होता है, तो इस मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। कन्वर्ट करना का तरीका क्या है, मिली से सेंटी में जा रहे हो, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में, तो आप डिवाइड करेंगे। ओके, 10 से डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन, अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे 0 ऊपर की तरफ और पीछे उसके 90 नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं 90 के बाद काउंट करना शुरू करूँ तो ये वैल्यू 100 तक चली जाएगी। इट मींस तो सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग्स हैं या डिवीजन हैं वो 100 है। 50 वाला भी आपके पास होता है तो 90 की जगह पे आपके पास 45 पे आके वैल्यू खत्म हो रही होगी, देन सो ऑन, आप 0 पे चले जाएंगे वापस से। तो रोटेट है, 0 तो शुरू किया, 0 पे खत्म हो गया, तो 0 को भी आप डिजिट काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3, और ये 99 पे जाके खत्म हो जाएगा। इट मींस इसके ऊपर डिवीजन कितने हैं, 100 डिवीजन। ओके, तो 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना है, 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, और डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं, 100। तो हम इसको उसी तरीके से नोट करते हैं, 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल, 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। ओके, अगेन मिलीमीटर में अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आप इसको मिलीमीटर में सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, जो लिखा हुआ है उसी को पुट करें, आंसर आ जाएगा। दोनों चीजों को मैं लिखने की वजह सिर्फ ये है कि एमसीक्यू में कुछ नहीं पता कि वो मिलीमीटर में ऑप्शन दे दें या सेंटीमीटर में दे दें, तो आपको दोनों पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जरा गौर से पढ़िएगा, राइट लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इफ पिच ऑफ द स्क्रू इज 0.05 सेंटीमीटर।
एक नई चीज हमारे सामने आ गई, पिच ऑफ द स्क्रू, नहीं पता क्या चीज है। ओके तो पिच ऑफ द स्क्रू क्या है देख लेते हैं, पहले पिच को समझ लेते हैं उसके बाद। तो पिच आपके पास होती क्या है, अभी फॉर्मूले से ध्यान हटा के हम पहले पिच को देख लेते हैं। द मिनिमम पॉसिबल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ स्क्रू इज नोन एज पिच। यानी आपके पास थ्रेड्स बनी होती हैं स्क्रू के ऊपर, कोई भी स्क्रू हो, तो उन दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के दरमियान का डिस्टेंस बेसिकली पिच कहलाता है। तो पिच वो हाइट है जो हर दफा रोटेशन देने पे आपके पास क्या होगा, स्क्रू ओपन होगा या क्लोज होगा। सही है, यानी मैं अगर 0 से 0 रोटेशन दे दूं तो मेन स्केल आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, फिर मेन स्केल नजर आना शुरू हो जाएगा। तो एक रोटेशन में मेन स्केल कितना नजर आ रहा है, तो याद रखिएगा जो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल होता है वही पिच ऑफ द स्क्रू भी होता है। ओके, ये आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए ताकि अगर आप जब मेजर करने जाएं तो कम से कम कंफर्मेशन हो कि आपके पास मेन स्केल का लीस्ट काउंट या मेन स्केल का आपके पास जो पिच है वो आपको पता है। ओके, तो पिच बेसिकली क्या है, वही है जो 1 डिवीजन और मेन स्केल था। और सेकेंडली आपको डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50 दिए हुए हैं, तो बस कोई मसला नहीं है हमारे पास। आप पिच 0.05 पुट करें सेंटीमीटर में और लीस्ट काउंट और डिविजन आप 50 पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.001 सेंटीमीटर। तो यही आपके पास लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का। नॉर्मली लीस्ट काउंट आप ऐसे ही लिखेंगे, डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.01 सिंगल जीरो और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेजेस 0.001 यानी कि 00 आएगा। ओके, अब बात करते हैं हम कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स की। यहाँ पे आपके पास लेंथ वाले इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट हुए। ओके, यही दो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हमें थोड़ी सी चीजें समझनी होती हैं। पिच ऑफ द स्क्रू, जो पिच है इसकी डेफिनेशन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, जिसमें मैं 5 डेफिनेशन लिखनी होती है, छोटी छोटी डेफिनेशन वो लिखने के लिए दे देते हैं, तो आप डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ दूसरे क्वांटिटीज की, जैसे कि मास। अच्छा, मास के ऊपर ज्यादा हमें बहस नहीं करनी, हमें सिर्फ इसके लीस्ट का होनी पता होने चाहिए और याद करना है। तो मास में आपके पास मैं 3 हिस्सों में इसके इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा उसके एक्यूरेसी के हिसाब से। तो पहले आता है रॉड या फिर सिंपल बैलेंस। ओके, ये वो बैलेंस है जो आपको नॉर्मली दुकानों पे नजर आ जाता है। ओके, सब्जी वालों की दुकान पे और आपके पास किराने की दुकान पे, शॉप पे आराम से नजर आया था, फल वालों की शॉप पे नजर आया था। तो ये कहलाता है तराजू उर्दू में। तो तराजू बेसिकली आपके पास सिंपल बैलेंस या रॉड बैलेंस कहलाता है। इसकी एक्यूरेसी कितनी है, बहुत ही कम एक्यूरेसी है इसकी। कितनी कम है, तो ये आपको 1 केजी या 1.5 केजी दे सकता है, 1.53 केजी आपको या 1.5 क्या था मैं ग्राम आपको नहीं दे सकता। इतनी कम एक्यूरेसी, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी इसके पास नहीं है। ओके, तो एक्यूरेसी इसकी बहुत ज्यादा कम है, तो ये केजीज में अप्रोक्स, इस वजह से ग्राम या केजी दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं, इससे ज्यादा प्रिसीजन इसकी नहीं हो सकती। तो पॉइंट के बाद 1 डिवीजन ही आता है इसके ऊपर। सही है, अगर हम बहुत छोटे लेवल का यूज कर रहे हैं तो हम उसमें ग्राम भी यूज करते हैं, लेकिन हम इससे ज्यादा कम यूज नहीं कर सकते, हमारे पास आगे जगह ही नहीं है। उसके बाद आता है फिजिकल बैलेंस, जो नॉर्मली लैब्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी प्रिसीजन आपके रॉड बैलेंस से ज्यादा होती है। ओके, मतलब इसका लीस्ट काउंट और कम हो जाता है, विच इज 0.01, जिसमें आप और कम अमाउंट वाली, कम मास वाली चीजों को मेजर कर रहे होते हैं। फिर आता है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसमें आपके पास एक्यूरेसी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। आप गौर कर सकते हैं इसकी स्क्रीन पे, पॉइंट के बाद देखें कितने सारे डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, इससे भी ज्यादा वाले होते हैं। ओके, ये ज्यादातर आपके पास उन जगहों पे होते हैं जहां पे बहुत माइनर अमाउंट ऑफ स्पेशीज या सब्सटेंस को इस्तेमाल करना होता है, जैसे सुनार की दुकान पे। ओके, तो 3 डिजिट्स का मतलब है इसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है, ये आपको 0.001 की वैल्यू भी दे देगा। सही है, इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट फिलहाल 0.001 ग्राम है या फिर इससे भी कम हो सकता है, तो आप 0.001 और लेस लिख सकते हैं। तो ये 3 आपको याद रखने हैं फॉर एमसीक्यू, याद रहेगा। खास ज्यादातर आपके पास फिजिकल बैलेंस के बारे में ही आता है,
ओके, तो आप इसको ज्यादा ध्यान में रखिएगा, बट दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, मास वाली बात हमारे पास खत्म हो गई, लेकिन एक मास और है जिसको हम लिक्विड मास कहते हैं। लिक्विड को बेसिकली आप तराजू में तोल नहीं सकते, तराजू में हम तोलते तो हैं, लेकिन बेसिकली लिक्विड को जो तोला जाता है या जो स्टैंडर्ड है वो उसके वॉल्यूम से तोला जाता है। ओके, तो आप इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं लिक्विड के लिए वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मालूम करने के लिए बनाते हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में मास ऑफ लिक्विड भी कह सकते हैं। ओके, यानी आप तराजू में नहीं तोलते लिक्विड को, आप वॉल्यूम्स में तोलते हैं, और उसको तोलने के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजरिंग सिलेंडर्स कहलाते हैं। मेजरिंग सिलेंडर्स आपके पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स होते हैं जिसमें मार्किंग्स हुई भी होती हैं, बड़ी आसानी से आप उसको मेजर कर सकते हैं, या फिर शुरू से ही उनको उतने ही वॉल्यूम का बनाया जाता है जितना लिक्विड आपको चाहिए होता है। ओके, जैसे कि एक चम्मच चीनी, एक चम्मच नमक, तो एक चम्मच का मतलब उस चम्मच का साइज होता है, आपको नीचे ग्रेजुएशन या लिखिन दिखाया हुआ कि कितना है, आपको एक चम्मच पता है कि इसको भर के निकालेंगे तो एक चम्मच हो जाएगा। ओके, एक कप की बात होती है। इसी तरीके से आपके पास लैब्स के अंदर कुछ ग्रेजुएटेड सिलेंडर यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे ग्रेजुएटेड सिलेंडर मुख्तलिफ साइज के, इसमें लाइंस दिख रही हैं आपको, तो ये लाइंस ही तो हैं जो काउंट करती हैं। आप फॉर एग्जांपल आपने 10 तक करा तो ये ml पे काउंट करेगा, तो 10 ml आपको मिल गया मिलीलीटर। आपने 50 तक करा तो 50 ml मिल गया आपको, 100 तक करा तो 100 ml मिल गया आपको, तो ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स कहलाते हैं। यहाँ तक आप बड़ी प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज को। एक और चीज जो आपने शॉप्स वगैरह में देखी है खासतौर पे, कि कहाँ पे मिल्क शॉप्स के अंदर, जहाँ पे वो तोलते नहीं है, सही है, वो सिर्फ इस सिलेंडर को फुली फिल्ड करके शॉपर में दूध भर के दे देते हैं। हमारी आदत है हम दूध केजी में मांगते हैं, लेकिन दूध केजी में नहीं होता, लीटर्स में होता है, जो कि वॉल्यूम में नापा जाता है। तो ये वॉल्यूम्स तो हैं, ये कंटेनर्स ही तो हैं, ये सिलेंडर ही तो हैं, ये सारे 1 किलो वाला, आधा किलो वाला, 1 पाव वाला, आधा पाव वाला, 1 छटाक वाला। तो एक भर के उसने निकाल दिया, उसको पता है कि ये केजी है। ओके, ये केजी के बराबर है। तो हम केजी क्यों बोल देते हैं, केजी बोलना गलत है, सही। तो अब हम समझ गए हैं कि लिक्विड्स को केजी में नहीं तोला जाता, वॉल्यूम में तोला जाता है, जिसका यूनिट आपके पास लीटर होता है। ओके, और ये सिलेंडर आपके पास और भी है, इसकी क्लॉक को आप यहाँ से इग्नोर करें, क्लॉक शायद डिजाइन के लिए समझने डली हुई है, लेकिन ये सिलेंडर आपने ऑयल जहाँ पे परचेज करने के लिए आप जाते हैं वहां देखा होगा, सही है, मिट्टी का तेल वगैरह वो इसी में तोल के देते हैं। तो ये भी पहले से मेजर्ड सिलेंडर है आपके पास, सही है, इस तरह के कई साइज में होते हैं, तो 1 लीटर वाला भी, आधा लीटर वाला भी होता है, तो उसको फुल करके बिल्कुल मुंह तक भर के फिर आपको दे देता है कि भाई ये आपके पास 1 लीटर हो गया। कैसे हो गया, तो उसको पता है कि भाई ये सिलेंडर नापा हुआ है मशीन से, ये इसका वॉल्यूम इतना है, तो इसके अंदर हमेशा इतना ही ऑयल आएगा, इतना ही पेट्रोल आएगा। पेट्रोल तो हम खैर अब इसमें नहीं लेते, हम डायरेक्टली मशीन से फिल करवाते हैं, तो अगर इससे करेंगे तो इससे भी सेम ही आता है। तो समझ लीजिएगा कि वॉल्यूम और मास में क्या क्या रिलेशन है, तो बेसिकली बोथ आर रिलेटेड। ओके, तो 1 लीटर का मतलब 1 kg ही होता है, तो अगर 1 kg बोल रहा हूँ तो मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप लीटर बोलें, क्योंकि आप वॉल्यूम में काउंट करने वाले हैं लिक्विड को। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट में जो आपके पास आती है बात, वो है टाइम की बात, सही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है आपके पास टाइम के लिए, जिसको हम कहते हैं स्टॉप वॉच। ओके, स्टॉप वॉच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टाइम को के मैग्नीट्यूड को नोट करता है। ओके, पर्टिकुलर और आपके पास बड़ा ही एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ। तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले तो आप स्टॉप वॉच को देख लें, कुछ इस तरह की नजर आती है। स्टॉप वॉच में आपको ये 3 हिस्से जरूर नजर आएंगे, मिनट का, सेकंड का और उसके डिविजन का, जो बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं। ओके, मुझे मिनट वाला पोर्शन यूज नहीं करना। ओके, मुझे मिनट वाला पोर्शन यूज नहीं करना, क्योंकि वजह यह है कि मिनट आपके पास बड़ा यूनिट हो जाता है, और मुझे लीस्ट काउंट पता करना है। स्केल में भी मैं मीटर्स पे नहीं जाता, मैं इंचेस पे नहीं जाता, मैं सेंटीमीटर्स में रहता हूँ, छोटे वैल्यूज की तरफ। तो मतलब इसका है कि आपको सिर्फ 2 ही स्केल्स देखने होंगे, पहला स्केल सेकेंड वाला स्केल, और दूसरा स्केल आपके पास डिविजन वाला स्केल।
तो इसका फॉर्मूला भी हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने लेंथ के लिए बनाया था। जरा देखिएगा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, लीस्ट वैल्यू ऑन सेकंड स्केल, सेकंड स्केल के ऊपर लीस्ट वैल्यू कितनी आ सकती है। अगर मैं स्टॉप वॉच ऑन करूं और बंद करूं तो इसमें जीरो के बाद पहला डिजिट कौन सा आएगा, 0.5? नहीं, 1। पहला डिजिट 1 आएगा, इसका मतलब कम से कम आप सेकंड स्केल पे कितना मालूम कर सकते हैं, 1। तो लीस्ट वैल्यू ऑन सेकंड स्केल, तो आप भी लिखेंगे 1। और डिविजन्स कितने चेंज होंगे, तो बेटा यहाँ डिविजन ये मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड नहीं है, डिविजन है, यानी एक तरह से सर्कुलर स्केल है, मूवेबल स्केल है। ये कंप्लीट होगा तो यहाँ डिविजन चेंज होगा, तो जीरो से ये मूव करेगा 99 तक, और जैसे ही 99 के बाद दोबारा जीरो होगा आपके पास सेकेंड का डिजिट चेंज होकर दूसरा डिजिट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अगला डिजिट आ जाएगा, तो आपके पास टोटल डिविजन कितने हो गए, तो 0 से 99, तो 0 भी एक डिजिट है, तो 100 डिविजन है आपके पास। तो आप 1 को डिवाइड करेंगे 100 से, इसका मतलब ये स्टॉप वॉच आपको बेसिकली 0.01 सेकंड की प्रिसीजन दे रही है, इतनी कम अमाउंट की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, ये प्रिसीजन है इसका, ओके। यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यू दे रही है। कुछ जगहों पे आपके पास एक जीरो भी होता है, तो वो 0 से 9 तक जाएगा, इसका मतलब 10 डिजिट्स हो गए, तो आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0.1 डिजिट के आपके पास क्या है, प्रिसीजन है। इस तरह की स्टॉप वॉच भी होती है। एक स्टॉप वॉच है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ये डिजिटल स्टॉप वॉच है। अब मैकेनिकल की बात करते हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपके पास क्लॉक की तरह चलती है, आपने टाइम ऑन करा उसका कांटा चलना शुरू होगा, फिर से आप बंद करेंगे उसको वो रुक जाएगा, ओके। तो इसमें आपके पास बेसिकली निडल चल रही होती है सेकेंड्स की तरह, उसको जरा जूम करके देख लीजिए। ये स्टॉप वॉच आपके पास 30 दिखा रहा है, सही है, मे बी हाफ एन आवर वाला इसमें कोई कंडीशन है, 30 मिनट्स का दिया हुआ है इसमें। खैर हम इसको नहीं काउंट करेंगे, हम इसको अज्यूम करेंगे एज अ जीरो, क्योंकि जहां से वैल्यू शुरू होती है ना वो जीरो ही होता है, जीरो से शुरू होके जीरो पे खत्म, ओके। तो ये आखिरी वैल्यू भी है और पहली वैल्यू भी है, जैसे क्लॉक के ऊपर होता है, एक के बाद आप घूमते हुए 12 पे जाते हैं, 12 के बाद फिर एक शुरू हो जाता है, तो 12 बेसिकली जीरो है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं जीरो, तो मैं इसको जीरो कंसीडर कर लेता हूं, भाई मैं इसको लिख रहा हूं, ये मेरे पास जीरो है, ओके, ये जीरो है मेरे पास, अब जीरो से पहला डिजिट आपको अच्छा 2 नजर आ रहा है, लेकिन 2 से पहले एक और लाइन डली हुई है, आप 2 लेना चाह रहे हैं तो आप 2 ले लें, कोई मसला नहीं है, ओके। लेकिन जीरो के बाद यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन 1 है, ओके। अगर आप 2 तक जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ डिविजन एड करने पड़ेंगे, नए और बढ़ जाएंगे, 1 तक आओगे तो नंबर ऑफ डिविजन वही रहेंगे जो 0 और 1 के दरमियान है, कितने 10 है, तो 0 से 1 तक आपके पास कितने डिविजन हो गए, 10, और पहला डिजिट जो आ रहा है जीरो के बाद वो 1 है, तो अगर आप इसको काउंट करें तो 1/10, फर्स्ट डिजिट ऑन स्केल आफ्टर जीरो, सही है, जीरो के बाद पहला डिजिट और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन जीरो एंड दैट डिजिट, तो आपके पास 1/10 होगा और 0.1 सेकंड आंसर आ जाएगा। अगर आप 22 से निकालना चाह रहे हैं तो डिवीजन 20 हो जाएंगे, आंसर वही आएगा, ओके। डिवीजन क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाऊं तो आपके पास 2 सेकंड्स तक आप बात कर रहे हैं और डिवाइड करेंगे इसको 20 से, तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे बेटा तो इसका लीस्ट काउंट बेसिकली 0.1 ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सही है। मैं लिख के इस वजह से बता दिया कि आप पूछें सर अगर मैं 4 तक मालूम करूं, कोई बात नहीं, आपने बस 0 से जो भी पहली वैल्यू ले रहे हो उसके दरमियान के डिजिट्स काउंट करने, मैंने फर्स्ट डिजिट इस वजह से लिखा है कि आपको डिविजन कम काउंट करने पड़े, आप आखिरी डिजिट तक चले जाओ कोई मसला नहीं, आप 0 से 30 पे चले जाओ, लेकिन 0 से 30 तक सारे डिवीजन आपको काउंट करने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक वाइंड अप हुआ, ओके। मैंने तीनों लेंथ, मास, टाइम तीनों के लिए मैंने आपको चीजें समझा दी, बता दी कि किस तरह से आप लीस्ट काउंट उनके फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। और इन सब चीजों को याद रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। Thank you. That's all for today. Allah Hafiz.